માટે એસ્કોર્ટ ગ્રુપના સીએફઓ ભરત મદાન જોડાઈ ગયા છે. સર, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. Q3 કે સાથ અગર હમ ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ દેખે તો પિછલે દો ક્વાર્ટર કો મિલા કે યહાં પે હમને દેખા હૈ કે આપકે જો વોલ્યુમ્સ હૈ વહાં પે હમને તકરીબન 7.5% કી ગિરાવટ દેખી હે. ક્યા વજહ રહી ઇસકે પીછે ઓર કિસ તરહ કે ગ્રોથ કી ઉમીદ હમ રખ સકતે હે આને વાલા ક્વાર્ટર મેં? देखिए, इस पहले छह महीने की जैसे बात करें तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है काफी डीग्रो की थी पिछले साल के कंपैरिजन में. यानी पहले क्वार्टर में 15% की डीग्रो थी इंडस्ट्री में, जो नेक्स्ट क्वार्टर में कम हो गए 10% की रह गई और थर्ड क्वार्टर में अभी कम हो गए 6% की रह गई है. तो लेकिन जहां तक एस्कॉर्ट्स की बात करें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में डेफिनेटली हमने बेटर परफॉर्म किया है और हमारा रिजल्ट मार्केट शेयर की इंप्रूवमेंट में भी दिख रहा है. और लास्ट क्वार्टर में भी हमारा मार्केट शेयर जो है 11.4% से बढ़ के 11.9% हो गया ट्रैक्टर इंडस्ट्री में. तो आई थिंक हमें उम्मीद है कि अभी डिमांड से रहने जो है Q4 में थोड़ा और बेटर रिकवरी दिखाएगा और मे बी फ्रॉम नेगेटिव जो डी ग्रोथ अभी तक चल रही थी उससे चेंज हो गया. हम थोड़ा लो सिंगल डिजिट पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं Q4 में और आगे जाके भी हमें लगता है अच्छे मानसून की वजह से और काफ़ी अच्छी अभी स्वाइंग हुई है और हार्वेस्ट की काफ़ी अच्छी उम्मीद है और प्राइस भी बढ़ा दिए गए हैं. तो आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस काफी है रूरल साइड पे तो उसमें हमें लगता है कि डिमांड सिग्नल जो आगे अगले 1-2 साल में काफी अच्छा रहेगा ट्रैक्टर साइड. ओके सर, साथ में एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार अगर हम देखें तो रेलवे डिवीजन सी की तरफ से ऑलमोस्ट हमने 29% तक की सेल्स में इंप्रूवमेंट देखी थी. अभी किस तरह की ऑर्डर सिचुएशन है? क्या यहाँ पे नए ऑर्डर्स भी अभी आप जोड़ रहे हैं इसके साथ में? जी, अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो दिसंबर एंड पे हमारी 450 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है जो अगले 12-15 महीने में एग्जीक्यूट होगी. लेकिन काफी सारे टेंडर हैं जो अभी पाइपलाइन में है जिसके अभी ऑर्डर और ऐड होंगे. तो हमें लगता है कि रेलवे बिजनेस आगे भी जैसे कि पिछले 2-3 साल से वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और आगे भी आई थिंक 25% की CAGR जो है हमें लग रहा है कि ये मेंटेन रहेगी इस बिजनेस में. सर, एक बहुत बढ़िया चीज इस बार हमने आपके आंकड़ों में देखी है वो है मार्जिन की. क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट 13% पे आते हुए दिखे, हाईएस्ट क्वार्टरली मार्जिन है. क्या वजह रही है मार्जिन आने के पीछे और अगर क्वार्टरली मार्जिन इस तरह से आते हुए दिखे तो क्या ये आगे सस्टेन होते हुए देख पाएंगे? जी, आई थिंक अगर आप मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे तीनों सेक्टर्स अगर हम बात करें चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, रेलवे हो या ट्रैक्टर हो, तो ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन दोनों ने इंप्रूवमेंट दिखाई है मार्जिन में पिछले साल के कंपैरिजन में और रेलवे में वॉल्यूम की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और रेलवे एज इट इज हमारा जो है तीनों बिजनेस में सबसे बेटर मार्जिन बिजनेस है. तो हमें उम्मीद है आगे जाके भी कोई ऐसा कोई नेगेटिव कंसर्न हमें नहीं दिख रहा है तो मार्जिन जो रिकवरी जो है अगर ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहता है इंडस्ट्री में तो मार्जिन भी हमारे को सस्टेन करने में और बढ़ाने में आई थिंक हमें काफी पॉसिबिलिटी लग रही है. ओके, तो इसके साथ ही सर एक चीज और भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने इस बार के जो आंकड़े देखे हैं वहां पे हमने देखा था कि ट्रैक्टर सेल्स जो है आपका वहां पे आपने मार्केट शेयर को गेन किया है. अब आगे जाके भी क्या ये सेगमेंट में हम आपका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ देख पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी आप अभी सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल. अगर आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो एस्कॉर्ट्स जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हर साल थोड़ा थोड़ा मार्जिन गेन कर रहा है. तो आई थिंक हम 10.2-10.3 पे थे पिछले 3 साल पहले, यानी पिछले 3 साल के अंदर में ऑलमोस्ट 2% का मार्केट शेयर गेन हुआ है. और आगे भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हमने जो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं स्पेशली उन मार्केट्स में या उन एरियाज में जहाँ पे वो पहले हमारे एब्सेंट थे, तो सारे व्हाइट स्पेसेस अभी कवर हो गए हैं. पूरा हमारे चैनल एक्सपेंशन चल रहा है, हमारा दोनों ब्रांड स्ट्रैटेजी जो है मार्केट्स में काफी अच्छी चल रही है और बड़ा फोकस है ऑन द ग्राउंड जो सेल्स एक्टिविटीज पे. तो हमें उम्मीद है कि सारे जो एफर्ट्स हैं हमारे इसकी आगे जाके भी पे करेंगे और मार्केट शेयर की जो ग्रोथ जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी. ओके सर, एक आखिरी सवाल, इस बजट से क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, बजट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी फोकस रखा है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर साइड पे. तो हमें अभी यही उम्मीद है कि आगे जाके इंफ्रा के ऊपर भी स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की, अगर उनको रिसोर्सेज मिल पाए अपने बजट में से और वो इंफ्रा स्पेंडिंग कंटिन्यू करें. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी के लिए. और ये दोनों एरियाज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो गवर्नमेंट का फोकस एरिया है वो हमारे काफी तीनों सेगमेंट को इम्पेक्ट करते हैं पॉजिटिवली.
डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट का खर्च इन दोनों सेक्टर पे रहेगा बजट में, तो हमारे जो तीनों सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।